सो नहीं हो ये तात तुम पाई पाई। जगत में ऐसा कौन सा कार्य है जो हनुमान जी महाराज के लिए मुश्किल है। इसलिए भगत ने लिखा आई आई जी आई आई जी आई आई जी बालाजी मारे बात समझ में आई। आई आई जी बालाजी मारे बात समझ में आई। बार बार कीर्तनों में जाने से भगवान की कथा में जाने से और हनुमान जी महाराज का नित्य ध्यान करने से भगत के हृदय में एक बात समझ में आ गई कि हनुमान जी महाराज आपका आसरा लिए बगैर कहीं किसी को कोई ठोर नहीं। आई आई जी आई आई जी बालाजी मारे बात समझ में आई। आई आई जी बालाजी मारे बात समझ में आई। आई आई जी बालाजी मारे बात समझ में आई। आई आई जी बालाजी मारे बात समझ में आई। थे ही सैने राह दिखाई थे ही सैने राह दिखाई थे ही सैने राह दिखाई थे ही सैने राह दिखाई। युक्ति भक्ति की बदलाई युक्ति भक्ति की बदलाई थे ही सैने राह दिखाई। हनुमान जी जिसको कोई नहीं जानता था भगवान का मार्ग तो दूर भगवान की भक्ति तो दूर। अगर आपका आसरा जिसने ले लिया तो उस आपने उसकी कलाई पकड़ के आपको उसको भगवान के चरणों तक तो ले गई और भक्ति का भाव भी बढ़ा दिया। थे ही सैने राह दिखाई थे ही सैने राह दिखाई युक्ति भक्ति की बदलाई युक्ति भक्ति की बदलाई। आई आई जी आई आई जी वाला जी मारे बात समझ में आई। आई आई जी वाला जी मारे बात समझ में आई। कैसे समझे कैसे समझेंगे हम कि हनुमान जी महाराज ने सबका रास्ता दिखाया। हनुमान जी महाराज सबको रास्ता दिखाते हैं और हनुमान जी महाराज ही सबको रास्ता दिखाएंगे। तो याद करो हुआ सुग्रीव बाली का भाई सुग्रीव बाली ने निकाल दिया किष्किंधा पे रहने लग गया। बहुत दुखी दीन अवस्था में था सुग्रीव की धर्म पत्नी को बाली ने हड़प लिया और सारा राजपाट लेकर के और सुग्रीव के साथ में बड़ा अन्याय हुआ। सुनना प्रेम हनुमान जी महाराज का जिसने आसरा लिया उसके साथ कैसे क्या करते हैं हनुमान जी सुनूंगा। हुआ सुग्रीव बिल्कुल अकेला किया बाली ने ऐसा जमेला। हुआ सुग्रीव बिल्कुल अकेला किया बाली ने ऐसा झमेला। दीन बन कर विचरता था वन में
उसका जीवन था तपती अगन दीन बन के विचरता था वन में, उसका जीवन था तपती अगन में। पूरे किस किस दर पहाड़ को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता था, हर पल रहता था बाली को। और विरह अग्नि तनुतूल शरीरा के शरीर जीता था। लेकिन हनुमान जी महाराज ने, तुमने रघुवर से मिलवाया, तुमने रघुवर से मिलवाया, उसका जीवन सुखी बनाया, आई आई जी, आई आई जी माला जी, मार बात समझ में आई, आई आई जी माला जी, मार बात समझ में आई। प्रेमियों, सुग्रीव ने जैसे ही भगवान श्री राम से मित्रता की, बालिका वध सब जानते हैं, ये मित्रता किसने करवाई? हमारे हनुमान जी महाराज। और जिसने हनुमान जी महाराज का आश्रय लिया, हनुमान जी महाराज का शरणागति ली, उसका जीवन सुखी भी हुआ और उसको हर एक को राजपाट ठाट बाट मिला। इसलिए हनुमान जी महाराज को कहती है अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, निधियों के भंडार है हनुमान जी महाराज हमारे। और देवता जितने दरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक हमारे हनुमान जी महाराज को साध लो। और जिसने हनुमान जी महाराज का आसरा लिया, हनुमान जी महाराज की शरणागति ली, उसके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई कमी रह नहीं सकती। और देवता जितने दरे हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। कैसे हैं हनुमान जी महाराज प्रेमियों? कहां छेड़ दिया विजय भैया, कहां ले ये ले, निकल गया अंदर से। राम रसा ये पढ़ते होंगे हनुमान चालीसा में, राम रसायन। रसायन किसको बोलते हैं बताए? व्हाट इज रसायन? भजनों में जो हमें आनंद मिले ऐसे मिलेगा, यू मुख बंद कर बैठने से नहीं मिलेगा प्रेमियों। भजनों में जो हमें आनंद मिलता है, हृदय में आनंद की अनुभूति होती है, उसी का नाम रसायन है। और वही रसायन हमारे पूरे शरीर में जाता है, हमारे जितने भी हार्मोन्स हैं उन सबको बैलेंस करके हमें सकारात्मक ऊर्जा देता है। किसके पास है? राम रसायन तुमरे पास, हनुमान जी महाराज के पास। और सदा रहो रघुपति के दादा, तुमरे भजन राम को भावे। जो हनुमान जी महाराज का गुणगान करता है, अंत काल रघुबर पूरे जावे, इस जन्म में तो ठाट हो जाए और देह त्यागने के बाद में रघुबरपुर में जाए। और अगर भगवान की कृपा हुई
तूने भी इस जीवन में आना पड़ा तो भी देखो हनुमान जी कैसी व्यवस्था करते हैं उसके लिए। आएगा तो किसी संत के घर में जन्म लेगा, किसी भक्त के घर में जन्म लेगा और जगत के अंदर भक्ति भाव बढ़ाने के लिए आएगा। इसलिए एक बार हनुमान जी महाराज के सम्मान में प्रेम में सब मिलकर के देखो, जय जय राम 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 सिया राम राम राम, जय जय राम 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 सिया राम राम राम, जय जय राम 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 सिया राम राम राम, जय जय राम 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 सिया राम राम राम। इधर इधर सुग्रीव को तो मुक्त मौज मिला, इधर रावण का देखो, जुल्म रावण का, जुल्म रावण का पड़ता ही जाए, रावण अपनी जुल्म की सीमाओं से परे रहने लग गया। महान ज्ञानी होते हुए भी जुल्म रावण का पड़ता ही जाए, नाम प्रभु का उसे ना सुहाए, जुल्म रावण का पड़ता ही जाए, नाम प्रभु का उसे ना सुहाए। लंका में भगवान शंकर का नित्य हवन होता था। सुनना प्रेमियों, ये बहुत गुड बात बता के जाता हूँ, इसलिए मैंने कहा ना कि मैं कलाकार नहीं, मैं वो बातें बताऊं जो आपको समझ में आएंगी। रावण ब्राह्मण था और सारसा ब्राह्मण था, विद्वान, चार वेदों को कंठस्थ, हृदयस्थ और अनेक प्रकार की रुद्र संहिताएं सहित हम आज जो पढ़ रहे हैं ना शंकर भगवान की प्रसन्नता के लिए। डम 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 बोल रहे हैं, ये सब रावण की रचनाएं हैं। लेकिन शंकर भगवान का नित्य हवन होना हर एक घर में, ऐसा नहीं था कि लंका में सारे, लेकिन भगवान श्री हरि का नाम नहीं था। और जहां मेरे ठाकुर का नाम नहीं तो मेरे शंकर भगवान कैसे प्रसन्न होंगे। शंकर भगवान से किसी ने पूछा कि भगवान आपका अनन्य भगत है, ये 10 बार आपको शीश दान में दिया है, तब भगवान शंकर ने एक जवाब दिया। सुनना प्रेमियों, ये आप सबके, ये छोड़ दो यार, आएंगे वाएंगे, आप भजनों पे ध्यान दो। भगवान शंकर ने एक जवाब दिया, जो राम का नहीं, सुन लेना, शंकर भगवान को पूछते हो, नित्य जल चढ़ाते हो, नित्य हम शंकर भगवान के अभिषेक करके आए, मत करना। अगर आपका भगवान विष्णु में, भगवान राम में, भगवान कृष्ण में प्रेम नहीं है तो शंकर भगवान से आपका प्रेम हो ही नहीं सकता। इसलिए जब भी शंकर भगवान के सम्मुख जाओ उनसे बोलो राम राम, जय श्री कृष्ण, चल चलाओ। फिर देखो शंकर भगवान ऐसे ओटरदानी, इतने कृपालु हैं, गले लगे कृपा की,
हे जुल्म रावण का पड़ता ही जाए, नाम प्रभु का उसे ना सुहाए। जुल्म रावण का पड़ता ही जाए, नाम प्रभु का उसे ना सुहाए। लेकिन उसी लंका में, जैसे आप यहाँ बैठे हो, कोई विशेष हो जिसके हृदय में सिर्फ प्रेम हो, हृदय में सिर्फ ठाकुर जी के प्रति भाव, पवन जी भी अलग तक चेष्टा पकड़ो, ध्यान की तरह भाव रखो, तब जाकर के कुछ समझ में आएगा। हजार शब्द बोलूंगा उसमें एक शब्द समझ में आएगा, और मैंने सबसे पहले आपको बोला था एक एक शब्द को मोती की तरह पिरो करके ले जाना। इधर देखे उधर देखे फिर क्या, भजन में भाव मन लगना चाहिए। भजन के अलावा जिसका कहीं मन लगता है वो भक्त हो ही नहीं, चाहे वो जो भी हो बुरा लगे लगे। गए अनुसंधान करने के लिए माता सीता का हनुमान जी महाराज लंका में। हनुमान जी महाराज आए लंका में, और लंका में आते ही सबसे पहले हनुमान जी महाराज ने क्या देखा, राम नाम सुंदर, राम नाम अंकित रहे, शोभा वर्णी न जाए, नव तुलसी का वृंद तने देख हर्ष कपिराय। एक घर ऐसा देखा लंका में जहां श्री हरि भगवान विष्णु के नाम अंकित थे, प्रभु के चिन्ह अंकित थे, शंख चक्र गदा पद्म अंकित थे, तुलसी मैया का पौधा उस घर में। हनुमान जी महाराज वहीं रुके, पूछा हु आ रही, बोले मेरा नाम विष्णु है, रावण का छोटा भाई। अच्छा परिचय हुआ, हनुमान जी ने अपना परिचय दिया, समझ गए, बहुत जल्दी समझ जाते हैं मन की बात। हनुमान जी मनोज बम ज्ञानी नाम अगर गण्य मैंने, मन भीषण का तुमने टटोला, मन टटोला भीषण, हाँ ये भगवान का अतिशय प्रिय भगत है, इसके हृदय में प्रभु से मिलने की पिपासा है, इस पर कृपा करनी होगी। तो क्या किया, रस्ता रघुवर से मिलने का खोला, मन भीषण का तुमने टटोला, रस्ता रघुवर से मिलने का खोला। ओ बन गए मीत राम रघुराई, बन गए मीत राम रघुराई, मीत राम रघुराई कौन, विभीषण जी महाराज मित्वा नहीं मीत बने, मित्रता की प्रकाशता में जो हो। ओ बन गए मीत राम रघुराई, बन गए मीत राम रघुराई, गद्दी लंका की दिलवाई, गद्दी लंका की दिलवाई, आई आई जी आई आई जी बालाजी, मार बात समझ में आई, आई आई जी बालाजी, मार बात समझ में आई। जय जय राम 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 सिया राम, राम 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 राम, जय जय राम 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 सिया राम राम राम, जय जय राम 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 सिया राम राम राम, जय जय राम 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 सिया राम राम राम। और लंका का राज विभीषण जी को मिला, भगवान राम जी आकर के राज्य अभिषेक हो गया, कलयुग आ गया, हनुमान जी महाराज को अजर अमृत का वरदान ने आपको पता है, अजर अमर गुण निदेशित हो, तो कलयुग की प्राणियों की बारी आई। मैंने बोला ना हनुमान जी महाराज प्रत्येक जीव के कल्याण के लिए, प्रत्येक जीव के लिए तत्पर रहते हैं।
वंशी महाराज, वंशी महाराज। कलयुग के प्राणियों के बारे में सोचा, ओ ये नहीं पढ़ेंगे वाल्मीकि रामायण। अरे वाल्मीकि रामायण तो क्या, सूर्य उदय से पहले ये उठने वाले जानते हैं ना, मैंने बोला ना हनुमान जी मन की बात पहले जान लेते हैं। तो फिर तुलसीदास जी महाराज के पास सन्मुख बैठे। तुमने सबसे बड़ा कल्याणकारी कार्य किया, तुमने तुलसी को तुलसीदास जी महाराज को भगवान राम से मिलाया और जगत के कल्याण के लिए उनसे एक ऐसा ग्रंथ लिखवाया। आप सुंदरकांड पढ़ते हो ना, रामचरितमानस पढ़ते हो ना, कहते हैं रामचरितमानस की प्रत्येक जुबाया अपने आप स्वतः ही सिद्ध है, उनको सिद्ध नहीं करने पड़ते, क्योंकि बाकी जितने भी मंत्र सुन लो, बाकी जितने मंत्र उन सबको शंकर भगवान ने किलकित कर रखा है, लोक कर रखा है, और एक सिर्फ रामचरितमानस है मोहन जी, जिसके पीछे लिख दिया शंकर भगवान ने सत्यम शिवम सुंदरम। इसलिए इसके प्रत्येक एक एक सोर का दोहा सब अपने आप में। तुमने तुलसी को, तुमने तुलसी को तुलसी बनाया, ग्रंथ तुलसी से ऐसा लिखाया, तुमने तुलसी को तुलसी बनाया, ग्रंथ तुलसी से ऐसा लिखाया, नाम रघुवर का घर घर पहुंचाया, नाम रघुवर का घर घर पहुंचाया, दीप भक्ति का ऐसा जगाया, नाम रघुवर का घर घर पहुंचाया, दीप भक्ति का ऐसा जलाया। ओ हनुमंत नंदू तेरा चेहरा, हनुमंत नंदू तेरा चेहरा, सबका पार लगाना बेड़ा, सबका पार लगाना बेड़ा, आई आई जी, आई आई जी बालाजी, मार बात समझ में आई, आई आई जी बालाजी, मार बात समझ में आई, आई आई जी बालाजी, मार बात समझ में आई, आई आई जी बालाजी, मार बात समझ में आई।